हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgi.com के इस चैनल पे। हम लोग देख रहे हैं सी लैंग्वेज से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज़, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे मैलॉक और कैलॉक फंक्शंस के बारे में। अक्सर इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैलॉक और कैलॉक में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेरिएबल्स दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। पहला तरीका कहलाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और दूसरा तरीका कहलाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। आपको मालूम होना चाहिए कि वेरिएबल्स हम क्यों बनाते हैं। हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं प्रोग्रामिंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जब हमें किसी डेटा को, जब तक प्रोसेसिंग का टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक स्टोर करने के लिए। तो वेरिएबल्स रैम में, जब हमारे प्रोग्राम को रन होने के लिए मेमोरी एलोकेट होती है तो उसी के अंदर मेमोरी ब्लॉक्स बनते हैं और इसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। अब ये जो वेरिएबल हम बनाते हैं, या तो हम SMA के द्वारा बनाते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के जरिए बनते हैं। जैसे आपने लिखा int x या float y, तो ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है और इनके जरिए जो वेरिएबल्स बन रहे हैं ये SMA के एग्जांपल्स हैं। DMA मतलब होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जिसका मतलब ये होता है कि हम मैलॉक या कैलॉक जैसे फंक्शंस को यूज़ करके वेरिएबल्स बनाते हैं, ना कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से। दोनों में कई सारे डिफरेंसेस हैं जिसको हम कुछ दूसरे वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे है कि मैलॉक और कैलॉक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही तरीके से, चाहे मैलॉक को यूज़ करें चाहे कैलॉक को यूज़ करें, आप जो वेरिएबल बनाते हैं वो डायनेमिकली क्रिएट होता है। इसका मतलब ये है कि रन टाइम पे डिसीजन लेते हुए वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट करवाना इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अगर मैलॉक फंक्शन चलेगा तो कंपाइलर को इसके बारे में कंपाइल टाइम पे कुछ भी पता नहीं होगा कि वेरिएबल कब बनेगा, कब तक लाइफ उसकी रहेगी, कहाँ कहाँ से एक्सेसिबल होगा। कोई भी जानकारी मैलॉक या कैलॉक की मदद से बनने वाले वेरिएबल के बारे में कंपाइलर को नहीं होती है। लेकिन मैलॉक और कैलॉक अगर दोनों ही डायनेमिकली वेरिएबल्स बना रहे हैं तो दोनों में फिर फ़र्क क्या है? तो पहली बात तो ये है कि इनकी सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें तो दो बातें बहुत अच्छे से याद रखिए। दोनों ही प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, तो ये पहले से बने हुए, आपको सिर्फ इन्हें यूज़ करना है, और दोनों ही डायनेमिकली वेरिएबल्स को क्रिएट कराते हैं। अब एक और बात समझ लीजिए कि चाहे मैलॉक की मदद से आप वेरिएबल बनाएं चाहे कैलॉक की मदद से वेरिएबल बनाएं, वेरिएबल का कोई नाम नहीं होता है, सिर्फ उसका एड्रेस होता है जो कि हम पॉइंटर में रखते हैं, और उस पॉइंटर की मदद से ही हम इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर प्रोटोटाइप यानी इन फंक्शंस के डिक्लेरेशन की बात करें तो मैलॉक फंक्शन रिटर्न करता है एड्रेस उस ब्लॉक का जिसे उसने बनवाया है, यानी जो मेमोरी का एलोकेशन वो करवाता है उस मेमोरी ब्लॉक का बेस एड्रेस वो रिटर्न करता है। लेकिन क्योंकि मैलॉक फंक्शन को ये नहीं मालूम होता है कि वो जो ब्लॉक बनेगा वो किस टाइप का होगा, इसीलिए वो जो एड्रेस रिटर्न करता है वो void टाइप का एड्रेस रिटर्न करता है, इसलिए मैलॉक का रिटर्न टाइप void asterisk है। साथ ही साथ इसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो एक पास होता है unsigned int टाइप का, जो कि साइज होगा उस मेमोरी ब्लॉक का जो हम बनवाना चाहते हैं। इसी प्रकार से कैलॉक फंक्शन है, कैलॉक फंक्शन का भी रिटर्न टाइप void asterisk है, जिसका मतलब है ये अननोन टाइप के यानी void टाइप के ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न कर रहा है। लेकिन कैलॉक और मैलॉक में एक फ़र्क ये है कि कैलॉक में दो आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, पहला आर्ग्यूमेंट भी unsigned int है और दूसरा आर्ग्यूमेंट भी unsigned int है। पहला आर्ग्यूमेंट है आपको कितने वेरिएबल्स बनाने हैं उसकी संख्या, और दूसरा आर्ग्यूमेंट है हर एक वेरिएबल का साइज क्या होगा ये वैल्यू। मैलॉक में हम सिर्फ एक वैल्यू पास कर रहे हैं जो कि हम जो वेरिएबल बनाना चाहते हैं उसका साइज है। तो अगर हमने मैलॉक में पास कर दिया 4, तो 4 बाइट्स का एक ब्लॉक बन जाएगा, तो जो नंबर हम पास करते हैं वो बाइट्स में लिया जाता है। इसी प्रकार से कैलॉक में भी हम नंबर पास करते हैं लेकिन 2, तो कितने ब्लॉक्स बनाने हैं और किस साइज के ब्लॉक्स बनाने हैं, तो ये एक तरह से एरे बनाता है। चलिए एक एक एग्जाम्पल से भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया जाए। मैलॉक का एग्जाम्पल, हमने डबल टाइप का एक पॉइंटर बनाया पी, और पी के अंदर असाइन करवा रहे हैं वो एड्रेस जो मैलॉक करेगा रिटर्न। क्योंकि मैलॉक का रिटर्न टाइप void asterisk है तो मैलॉक रिटर्न कर रहा है void टाइप का एड्रेस, लेकिन पी एक डबल टाइप का पॉइंटर है तो ये कंपैटिबल नहीं हुए, यानी असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंटर डबल टाइप का है जबकि राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आ रही है मैलॉक जो रिटर्न कर रहा है वो एड्रेस है void टाइप का।
ऐसे में एक वार्निंग सी लैंग्वेज में आती है, सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन। इसीलिए हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं और मैलॉक के पहले पैरेंथेसिस के अंदर लिख रहे हैं डबल एस्ट्रिक। इससे हुआ ये कि मैलॉक ने जो वैल्यू रिटर्न करी है वो किसी भी टाइप की रही हो, उसे हमने कास्ट कर दिया है डबल टाइप के ब्लॉक के एड्रेस में। तो अब जब पी में वैल्यू असाइन हो रही है तो असाइनमेंट के दोनों तरफ सेम टाइप होने की वजह से कोई भी वार्निंग नहीं आएगी। अगर आप ये पैरेंथेसिस नहीं भी लगाते हैं, टाइप कास्टिंग नहीं भी करते हैं, तो सी लैंग्वेज में क्योंकि ये केवल वार्निंग है आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। पर अगर यही लाइन सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखी जाएगी और आपने टाइप कास्टिंग नहीं करी तो एरर आएगी। इसी प्रकार से कैलॉग फंक्शन की बात करें तो कैलॉग फंक्शन ने जो रिटर्न किया उसको मैंने क्यू नाम के एक इंट टाइप के पॉइंटर में रख लिया। टाइप कास्टिंग यहाँ पर भी सेम रीजन से ज़रूरी है, पर कैलॉग में आप दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, 5 और 4। अब आप ज़रा देखिए दोनों में मेमोरी एलोकेशन कैसा होता है। सबसे पहले मैलॉक को देखिए। मैलॉक के नीचे जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है उसमें एक बड़ा सा ब्लॉक बन रहा है जो कि 8 bytes का है, जो डबल टाइप का वेरिएबल है। पर मैलॉक को ये नहीं मालूम कि वो डबल टाइप का है, क्योंकि हमने मैलॉक को सिर्फ ये बताया कि 8 bytes का ब्लॉक बनाना है। अब 8 byte का ब्लॉक डबल टाइप का हो ये ज़रूरी नहीं है, वो कोई नॉन प्रिमिटिव टाइप का भी हो सकता है। तो मैलॉक ने तो उसका बेस एड्रेस रिटर्न किया और हमने टाइप कास्टिंग करवा के उसे पी में असाइन करवा लिया, तो पी के अंदर इस नए ब्लॉक का एड्रेस स्टोर हो गया। ये जो डबल टाइप का मैलॉक ने ब्लॉक बनाया है इसका कोई नाम नहीं है और केवल पॉइंटर पी की मदद से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जबकि कैलॉग की अगर हम बात करें तो कैलॉग के लिए जो डायग्राम मैंने कैलॉग के नीचे बनाया उसको देखिए, यहाँ पर 5 variables बने हैं इंट टाइप के। हमने कैलॉग को ये बताया कि 5 variables बनाओ और हर एक वेरिएबल का साइज होना चाहिए 4। तो 4 bytes के 4 variables बन गए। तो एक तरह से ये एरे बना, हमेशा लगातार में मेमोरी कंज्यूम करेगा ये, तो उनकी इंडेक्सिंग हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, और जो पहले ब्लॉक का बेस एड्रेस होगा वो रिटर्न हो जाएगा और उसे हमने स्टोर करवा लिया है क्यू में और जो ज़रूरी टाइप कास्टिंग थी वो भी कर ली। तो मैलॉक और कैलॉग के आपको डिक्लेरेशन भी समझ में आए और उनके एग्जाम्पल भी समझ में आ रहे हैं। तो मैलॉक से जहाँ एक ब्लॉक बनता है स्पेसिफाइड साइज का, कैलॉग से मल्टीपल ब्लॉक्स बनते हैं, एरे बनता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक्स और स्पेसिफाइड नंबर ऑफ साइज ऑफ ब्लॉक। चलिए अब प्रॉपरली हम इनके डिफरेंसेस को देख लेते हैं। तो 3 major differences मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि आप याद रखें ताकि आप इंटरव्यू में आंसर कर सकें। मैलॉक में सिंगल आर्ग्यूमेंट पास होता है जो कि होता है साइज, जबकि कैलॉग में 2 arguments पास होते हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड साइज ऑफ ईच ब्लॉक। दूसरा डिफरेंस है डिफॉल्ट वैल्यू में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैलॉक की मदद से जो ब्लॉक बनता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होती है, अगर आपने उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करवाई है तो गार्बेज वैल्यू है, यानी अनप्रेडिक्टेबल नंबर। जबकि कैलॉग की मदद से बनने वाले एरे के हर एक ब्लॉक में 0 एज अ डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर रहेगा। तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट अंतर यह है कि मैलॉक की मदद से एक सिंगल ब्लॉक ही क्रिएट होता है, जबकि कैलॉग की मदद से एरे ऑफ ब्लॉक्स क्रिएट होता है। हालांकि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप मैलॉक की मदद से भी एरे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैलॉक में साइज में पास कर दिया है 20, तो 20 bytes का एक ब्लॉक बन गया। लेकिन अगर इसका एड्रेस में जिस पॉइंटर में रखवाऊं वो इंट टाइप का पॉइंटर हो तो वो पॉइंटर की नज़र में इन 20 में से सिर्फ पहले 4 byte को ही वो पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से उस पॉइंटर की नज़र में ये जो 20 bytes हैं वो एक ब्लॉक ना होकर 5 blocks हैं 4 4 bytes के। और अक्सर डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस में आपने इस तरह के सॉल्यूशंस देखे होंगे। तो आई होप आपको मैलॉक कैलॉग के बीच का डिफरेंस समझ में आया। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना है तो कमेंट करें। थैंक यू।